हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। तो देखिए, मैं आपका दोस्त अभय आज आप लोगों के साथ लेकर आया हूं वीडियो, जिसमें आज हम देखने वाले हैं जो भी दिल्ली यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हैं सेमेस्टर 4 के अंदर, उन सभी के पास जो सब्जेक्ट है कॉस्ट अकाउंटिंग का। अब मैं आप लोगों के साथ लेकर आने वाला हूँ इनकी वन शॉट रिविजन वीडियो। इसकी जो पांचों यूनिट है उसकी वन शॉट रिविजन वीडियो तो आपको मिलने वाली है चैनल के ऊपर, जिसके अंदर मैं आपको एक वीडियो के अंदर एक कंप्लीट यूनिट को कवर करवाऊंगा। उसके जितने भी कंसेप्ट हैं वो सारे आपको एक्सप्लेन करूंगा, साथ में जो भी फॉर्मूलाज वगैरह उस यूनिट में यूज होने हैं वो सारी चीजें आपको एक्सप्लेन करता हुआ चलूंगा। तो बिना देर के शुरू करते हैं हम अपनी आज की वीडियो और देखेंगे इस वन शॉट रिविजन को। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब ना करा हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करना ना भूले, अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूले। अगर आपको इनके नोट्स चाहिए तो वो नोट्स पेड नोट्स हैं, आप उन्हें परचेज कर सकते हैं। परचेज करने के लिए आप मेरे को डिस्क्रिप्शन में या फिर टेलीग्राम चैनल वगैरह या यूट्यूब चैनल पर भी आपको मेरा नंबर अवेलेबल मिल जाएगा, आप वहां पर मेरे को डीएम करें, वहां से आप नोट परचेज कर सकते हैं। तो चलिए बिना देर के शुरू करते हैं हम अपनी आज की वीडियो। तो आज की वीडियो में हम करने वाले हैं आपकी यूनिट नंबर 4 मेथड ऑफ कॉस्टिंग को एक वन शॉट रिविजन के वीडियो के अंदर कवर। के अंदर आपको देखिए क्या क्या चीजें पढ़नी है जो आपके सिलेबस में दी गई है, जॉब कॉस्टिंग, कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग, प्रोसेस कॉस्टिंग इंक्लूडिंग प्रोसेस लॉस, वैल्यूएशन ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस, सर्विस कॉस्टिंग ओनली ट्रांसपोर्ट। इतना कंटेंट आपके सिलेबस में दिया है जो आपको कवर करना है। पहले वीडियोस के अंदर हम इसका सारा थ्योरिटिकल कंटेंट कवर करेंगे, जितना आपके एग्जाम के लिए रिलेवेंट है, जैसे आपके सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। उसके बाद आपको इसके मैं प्रैक्टिकल क्वेश्चन प्रोवाइड करवाऊंगा, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहला आता है आपका जॉब कॉस्टिंग क्या होता है। तो इट मींस एसर्टेनिंग द कॉस्ट ऑफ एन इंडिविजुअल जॉब वर्क ऑर्डर और प्रोजेक्ट सेपरेटली। जॉब कॉस्टिंग के अंदर हम एक इंडिविजुअल जॉब की, एक वर्क ऑर्डर की या फिर एक प्रोजेक्ट की कॉस्ट को सेपरेटली कैलकुलेट करते हैं। अकॉर्डिंग टू ICMA लंडन, जॉब कॉस्टिंग इज अ फॉर्म ऑफ स्पेसिफिक ऑर्डर कॉस्टिंग विच अप्लाइज वेयर वर्क इज अंडरटेकन टू कस्टमर स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट एंड ईच ऑर्डर ऑफ कंपेरेटिवली ऑफ शॉर्ट ड्यूरेशन। क्या बोला है, जॉब कॉस्टिंग क्या है, एक तरीके की स्पेसिफिक ऑर्डर कॉस्टिंग है कि जिसके अंदर हम जब कस्टमर की स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग कोई वर्क को परफॉर्म करते हैं तो उसकी कॉस्टिंग करने के लिए, मतलब उसकी कॉस्ट जानने के लिए हम जॉब कॉस्टिंग का यूज करते हैं। अंडर दिस मेथड ऑफ कॉस्टिंग ईच जॉब इज कंसिडर्ड टू बी डिस्टिंक्ट कॉस्ट यूनिट। इसके अंदर हर जॉब को एक अलग कॉस्ट यूनिट माना जाता है। एज सच ईच जॉब इज सेपरेटली आइडेंटिफाइबल, और जो ये ईच जॉब होती है वो सेपरेटली आइडेंटिफाइबल होती है। एडवांटेजेस क्या क्या होते हैं जॉब कॉस्टिंग के, इट हेल्प टू डिस्टिंग्विश प्रॉफिटेबल जॉब फ्रॉम अनप्रॉफिटेबल जॉब। ये हमें प्रॉफिटेबल जॉब कौन सी है और अनप्रॉफिटेबल जॉब कौन सी है ये डिस्टिंग्विश करने में हेल्प करता है। इट हेल्प टू आइडेंटिफाई डिफेक्टिव वर्क एंड स्पॉइलेज विद डिपार्टमेंट और पर्सन, किस डिपार्टमेंट के अंदर और किन पर्सन के अंदर डिफेक्टिव वर्क है, मतलब जो गलत काम कर रहे हैं या स्पॉइलेज ज्यादा कर रहे हैं वो चीज जानने में मदद करता है। सेलिंग प्राइस ऑफ स्पेशल ऑर्डर कैन बी इजीली फिक्स्ड, जो ये स्पेसिफिक ऑर्डर्स होते हैं स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग उनका जो सेलिंग प्राइस होते हैं वो हम इजीली फिक्स कर जान सकते हैं। इट हेल्प टू प्रिपेयर एस्टिमेट ऑफ कॉस्ट फॉर सबमिटिंग कोटेशन एंड टेंडर फॉर सिमिलर जॉब। इन जॉब्स के टेंडर और कोटेशन सबमिट करने के लिए हमें इनकी एस्टिमेटेड कॉस्ट पता लग जाती है इसकी मदद से। और इट हेल्प टू कंट्रोल फ्यूचर कॉस्ट, और ये फ्यूचर कॉस्ट को भी कंट्रोल करने में हेल्प करता है। रिक्विजिट क्या क्या होते हैं जॉब कॉस्टिंग सिस्टम के, मतलब क्या क्या चीजें जरूरत पड़ती है एक अच्छे जॉब कॉस्टिंग सिस्टम के लिए। तो अ साउंड सिस्टम ऑफ प्रोडक्शन कंट्रोल, प्रोडक्शन कंट्रोल का एक अच्छा सिस्टम होना चाहिए। एन इफेक्टिव टाइम बुकिंग सिस्टम, टाइम बुक करने का एक अच्छा सिस्टम होना चाहिए। क्लियरली डिफाइंड कॉस्ट सेंटर, कॉस्ट सेंटर क्लियरली पता होने चाहिए। प्रॉपर मटेरियल इशू प्राइसिंग मेथड, मटेरियल इशू करने का प्राइसिंग का जो मेथड है वो प्रॉपर होना चाहिए। ये आपको जॉब कॉस्टिंग से रिलेटेड एक इलस्ट्रेशन दे रखी है, इसका सॉल्यूशन दे रखा है, ये हम कवर करेंगे प्रैक्टिकल क्वेश्चन वाली वीडियो में, ठीक है। नेक्स्ट टाइप की जो कॉस्टिंग है वो है आपकी कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग। तो इट इज अ स्पेशल फॉर्म ऑफ जॉब कॉस्टिंग एंड इट इज मोस्ट अप्रोप्रिएट मेथड टू बी अडॉप्टेड इन सच इंडस्ट्री एज बिल्डिंग एंड कंस्ट्रक्शन वर्क, सिविल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल फैब्रिकेशन एंड शिप बिल्डिंग। क्या बोला है, ये एक तरीके की जॉब कॉस्टिंग है लेकिन इनका यूज हम उस इंडस्ट्री में करते हैं जॉब कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग का, जैसे कि बिल्डिंग से रिलेटेड कोई कॉन्ट्रैक्ट हैगा, कंस्ट्रक्शन वर्क से रिलेटेड कोई वर्क हैगा, सिविल इंजीनियरिंग का कोई वर्क है, मैकेनिकल फैब्रिकेशन या शिप बिल्डिंग का कोई वर्क है, उस जगह पर हम कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग का यूज करते हैं। इन अदर वर्ड, इट इज अ फॉर्म ऑफ स्पेसिफिक ऑर्डर कॉस्टिंग विच अप्लाई वेयर द वर्क इज अंडरटेकन टू कस्टमर रिक्वायरमेंट एंड ईच ऑर्डर ऑफ लॉन्ग ड्यूरेशन एज कम्पेयर टू जॉब कॉस्टिंग।
क्या बोला है, ये एक फॉर्म है भी स्पेसिफिक ऑर्डर कॉस्टिंग की, ये भी जॉब कॉस्टिंग की तरह ही स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग जब कोई ऑर्डर आता है तो उसकी कॉस्टिंग के लिए यूज करा जाता है। लेकिन किन किन एरियाज में, कंस्ट्रक्शन वर्क एरिया, बिल्डिंग में, सिविल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल फैब्रिकेशन, इन सारी चीजों में, ठीक है। और इनका जो पीरियड होता है इन सारे कॉन्ट्रैक्ट का, वो एक लॉन्ग ड्यूरेशन का होता है, तब हम इसका कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग का यूज करते हैं। द ऑफिशियल CIMA टर्मिनोलॉजी डिफाइन कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग। CIMA के अकॉर्डिंग कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग को कैसे डिफाइन करा गया है? अ फॉर्म ऑफ स्पेसिफिक ऑर्डर कॉस्टिंग इन विच कॉस्ट आर एट्रीब्यूटेड टू इंडिविजुअल कॉन्ट्रैक्ट। ये क्या है, एक स्पेसिफिक ऑर्डर कॉस्टिंग की फॉर्म है जिसके अंदर हम इंडिविजुअल कॉन्ट्रैक्ट की कॉस्ट एट्रीब्यूट करते हैं। अब कॉन्ट्रैक्ट कितने टाइप के होते हैं? एक होता है फिक्स्ड प्राइस कॉन्ट्रैक्ट। तो अंडर दिस कॉन्ट्रैक्ट बोथ पार्टी एग्री टू फिक्स्ड कॉन्ट्रैक्ट प्राइस। फिक्स्ड प्राइस कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है? कॉन्ट्रैक्ट शुरू होने से पहले ही उस कॉन्ट्रैक्ट का प्राइस फिक्स कर लिया जाता है कि इतने प्राइस में ये कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म करा जाएगा, वो कहलाता है आपका फिक्स्ड प्राइस कॉन्ट्रैक्ट। सेकेंड होता है फिक्स्ड प्राइस कॉन्ट्रैक्ट विद एस्केलेशन क्लॉज। इसमें क्या मतलब होता है, ये एक तरीके का कॉन्ट्रैक्ट होता है जिसमें फिक्स्ड प्राइस डिटरमाइन कर लिया जाता है लेकिन एक एस्केलेशन क्लॉज डाला जाता है। एस्केलेशन क्लॉज क्या होता है कि अगर मटेरियल वगैरह या लेबर वगैरह वो चीज़ें पहले से ही डिसाइड कर ली जाती है कि अगर इन चीज़ों के प्राइसेस में कोई भी फ्लक्चुएशन होता है, मतलब इन चीज़ों की कॉस्ट में, मतलब या तो मटेरियल की कॉस्ट है वो बढ़ गई, जो लेबर की कॉस्ट है वो बढ़ गई, जो वेजेस वगैरह है वो बढ़ गए, तो उस केस में जो वो लॉस होता है वो सिर्फ एक ही पर्सन पर ना आ जाए, इसलिए ये एस्केलेशन क्लॉज डाला जाता है जिसके अंदर लॉस दोनों के बीच में शेयर करा जाता है। नेक्स्ट होता है कॉस्ट प्लस कॉन्ट्रैक्ट। तो अंडर दिस कॉन्ट्रैक्ट नो फिक्स्ड प्राइस कुड बी सेटल्ड फॉर अ कॉन्ट्रैक्ट। कॉस्ट प्लस कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, इसके अंदर कोई प्राइस फिक्स नहीं करा जाता कॉन्ट्रैक्ट का, जो भी कॉस्ट आती है उसके साथ में कॉन्ट्रैक्टर को एक कमीशन दिया जाता है, वो कहलाता है आपका कॉस्ट प्लस कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। अब इसके अंदर एक कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट प्रिपेयर करा जाता है जब ये कॉस्टिंग करी जाती है। तो कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट इज अ नॉमिनल अकाउंट इन नेचर। इसका जो नेचर होता है वो क्या होता है, नॉमिनल अकाउंट का नेचर होता है। इट इज प्रिपेयर टू फाइंड आउट द कॉस्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। ये किस लिए प्रिपेयर करा जाता है, कॉन्ट्रैक्ट की कॉस्ट को फाइंड आउट करने के लिए प्रिपेयर करा जाता है। एंड टू नो प्रॉफिट एंड लॉस मेड ऑन द कॉन्ट्रैक्ट, और कॉन्ट्रैक्ट से कितना प्रॉफिट और कितना लॉस हुआ है ये जानने में मदद करता है। अ कॉन्ट्रैक्ट में अंडरटेक अ नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एट अ टाइम। एक कॉन्ट्रैक्ट में है, एक जो कॉन्ट्रैक्टर है वो कई सारे कॉन्ट्रैक्ट लेता है एक टाइम पर, और ईच कॉन्ट्रैक्ट का सेपरेट अकाउंट इज ओपन। तो जो भी उसने कॉन्ट्रैक्ट जितने भी ले रखे हैं अलग अलग कॉन्ट्रैक्ट, उन सभी के लिए अलग अलग कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट प्रिपेयर करे जाते हैं। इन द कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट ऑल डायरेक्ट कॉस्ट सच एज मटेरियल, लेबर एंड डायरेक्ट एक्सपेंसेस इनकर्ड ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग पीरियड आर डेबिटेड एंड इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस आर अपोर्शनड ऑन इक्विटेबल बेसिस। इसके अंदर जो भी डायरेक्ट खर्चे होते हैं, डायरेक्ट मटेरियल का, डायरेक्ट लेबर का या कोई भी डायरेक्ट एक्सपेंस, वो सारे डेबिट करे जाते हैं, और जो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं उन्हें इक्विटेबल बेसिस पर अपोर्शन कर दिया जाता है इन चीज़ों में। द डिफरेंस बिटवीन टू साइड आर नोन एज नोशनल प्रॉफिट एंड नोशनल लॉस। और इस अकाउंट की दोनों साइड में, डेबिट साइड में और क्रेडिट साइड में, जो भी डिफरेंस आता है उनके बीच के डिफरेंस को क्या बोला जाता है, या तो नोशनल प्रॉफिट या नोशनल लॉस, ठीक है। अब इस कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट को बनाते समय कुछ टर्म्स यूज होती हैं, जैसे कि वर्क इन प्रोग्रेस होती है, वर्क सर्टिफाइड होती है, इसके अंदर जो आपको क्वेश्चंस में दी गई होती है कैलकुलेट करनी होती है। तो ये सारी चीजें क्या होती है, वर्क इन प्रोग्रेस, इट इज अनफिनिश्ड कॉन्ट्रैक्ट एट एंड ऑफ द अकाउंटिंग पीरियड एंड इट इंक्लूड अमाउंट ऑफ वर्क सर्टिफाइड एंड अमाउंट ऑफ वर्क अनसर्टिफाइड। वर्क इन प्रोग्रेस क्या होता है, जो ये कॉन्ट्रैक्ट होते हैं ये लंबे लंबे समय तक चलते हैं, एक साल से ज्यादा भी चलते हैं, लेकिन जो कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट प्रिपेयर करा जाता है वो एक साल का, एक फिजिकल ईयर का प्रिपेयर करा जाता है। तो उसमें एक अकाउंटिंग पीरियड खत्म होने पर अब कॉन्ट्रैक्ट पूरा नहीं हो पाया तो वो चीज़ कहलाती है आपकी वर्क इन प्रोग्रेस। इसके अंदर क्या क्या चीज़ें आती हैं, कितना काम सर्टिफाइड हो गया, मतलब कितना काम आपका ये हो गया है, जो काम करवा रहा है उसने सर्टिफाई कर लिया है कि हाँ इतना काम कंप्लीट हो चुका है, और जो काम सर्टिफाई नहीं हुआ है वो, ये दोनों मिलाकर आपका क्या बनाते हैं, वर्क इन प्रोग्रेस बनाते हैं। वर्क इन प्रोग्रेस इज एन एसेट। जो वर्क इन प्रोग्रेस होता है वो एक एसेट होता है कॉन्ट्रैक्टर के लिए, शोन इन बैलेंस शीट बाय डिडक्टिंग देयर फ्रॉम एनी एडवांस रिसीव फ्रॉम कॉन्ट्रैक्टी। इसे हम बैलेंस शीट के अंदर शो करते हैं, लेकिन अगर इस काम वर्क इन प्रोग्रेस के बदले में, मतलब जितना काम हो गया है उसके लिए अगर कॉन्ट्रैक्टी ने हमें कुछ पेमेंट कर दी है तो उस अमाउंट को हम इस वैल्यू में से लेस कर देते हैं। वर्क सर्टिफाइड क्या होता है, तो द सेल वैल्यू ऑफ वर्क कंप्लीटेड एज वर्क सर्टिफाइड बाय आर्किटेक्ट इज नोन एज वर्क सर्टिफाइड। क्या बोला है, जितना काम आपका कंप्लीट हो गया
उसमें से जो आर्किटेक्ट होता है उसने आपके कितने काम को सर्टिफाई कर दिया है। मान लो आप कह रहे हो 70% काम आपने कंप्लीट कॉन्ट्रैक्ट कर लिया, लेकिन जो आर्किटेक्ट है वो ये कह रहा है अभी कॉन्ट्रैक्ट 60% कंप्लीट हुआ है, तो जो वर्क सर्टिफाइड माना जाएगा वो 60% माना जाएगा आपका। इन द केस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ लॉन्ग ड्यूरेशन द अमाउंट पेएबल बाय कस्टमर टू कॉन्ट्रैक्टर इज बेस्ड ऑन सेल वैल्यू ऑफ वर्क डन एज सर्टिफाइड बाय आर्किटेक्ट। और जो ये लॉन्ग ड्यूरेशन के कॉन्ट्रैक्ट होते हैं इसके अंदर जो कॉन्ट्रैक्टी होता है मतलब जो कस्टमर होता है वो कॉन्ट्रैक्टर को कितनी अमाउंट पे करेगा ये किस चीज पर डिपेंड करता है कि आर्किटेक्ट कितने वर्क को सर्टिफाइड कर रहा है। एट द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर द टोटल सेल वैल्यू ऑफ वर्क डन एंड सर्टिफाइड बाय आर्किटेक्ट इज क्रेडिटेड टू कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट। और जो ये वर्क सर्टिफाइड की अमाउंट होती है वो कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट के क्रेडिट साइड में क्रेडिट करी जाती है। नेक्स्ट है वर्क अनसर्टिफाइड। तो इट मींस वर्क विच हैज बीन कैरिड आउट बाय कॉन्ट्रैक्टर बट नॉट सर्टिफाइड बाय आर्किटेक्ट। ऐसा काम जो कॉन्ट्रैक्टर ने कंप्लीट कर लिया है लेकिन आर्किटेक्ट ने उसे रिकॉग्नाइज नहीं करा है, उसे सर्टिफिकेट नहीं करा है कि ये काम कंप्लीट हो गया है, वो कहलाता है आपका वर्क अनसर्टिफाइड। समटाइम वर्क विच इज कंप्लीट रिमेन अनसर्टिफाइड एट द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर इट ऑलवेज वैल्यूड एट कॉस्ट एंड क्रेडिट टू कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट। जो वर्क सर्टिफाइड होता है वो आपका सेल वैल्यू पर रिकॉर्ड होता है, लेकिन जो वर्क अनसर्टिफाइड होता है वो कॉस्ट पर रिकॉर्ड होता है और क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड करा जाता है कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट के। नेक्स्ट आता है आपकी एक टर्म रिटेंशन मनी। तो रिगार्डलेस ऑफ अमाउंट ऑफ वर्क सर्टिफाइड द कॉन्ट्रैक्टर इज पेड अ स्पेसिफाइड परसेंटेज ऑफ सेम एंड द बैलेंस इज हेल्ड एज रिटेन्ड बाय कॉन्ट्रैक्टी। अब चाहे कितना भी वर्क सर्टिफाइड कर दिया हो आर्किटेक्ट ने, जो कॉन्ट्रैक्टी होता है वो कभी भी पूरा पैसा कॉन्ट्रैक्टर को पे नहीं करता है, कुछ अमाउंट अपने पास रिटेन करके रखता है ताकि जो कॉन्ट्रैक्टर है वो काम छोड़कर अधूरा ना चला जाए। तो जो अमाउंट अपने पास कॉन्ट्रैक्टी रख लेता है कि जो काम हो चुका है उसमें से भी कुछ पैसा अपने पास होल्ड कर लिया कॉन्ट्रैक्टी ने, वो कहलाता है आपका रिटेंशन मनी। दिस इज बिकॉज द फैक्ट दैट द कॉन्ट्रैक्टी हैज टू सेफगार्ड हिमसेल्फ अगेंस्ट एनी कंटिंजेंसी अराइजिंग फ्रॉम नॉन फुलफिलमेंट ऑफ द टर्म ऑफ कॉन्ट्रैक्ट बाय द कॉन्ट्रैक्टर। और क्या रीजन होता है ये मनी को रिटेन करने का कि अगर जैसा टर्म्स में एग्री करा गया था, कॉन्ट्रैक्ट की टर्म्स में एग्री करा गया था वैसा काम अगर कॉन्ट्रैक्टर नहीं करता है तो इस टाइप की कंटिंजेंसी के लिए वो कुछ अमाउंट को रिटेन करके रख लेता है अपने पास। द अनपेड बैलेंस ऑफ वर्क सर्टिफाइड और अमाउंट हेल्ड बैक और रिटेन बाय कॉन्ट्रैक्ट इज नोन एज रिटेन मनी। तो यही जो अनपेड बैलेंस होता है वर्क सर्टिफाइड हो गया लेकिन फिर भी उसकी पेमेंट नहीं करी गई है, वो चीज आपकी कहलाती है रिटेंशन मनी। नेक्स्ट आता है आपका सब कॉन्ट्रैक्ट। तो समटाइम द कॉन्ट्रैक्टर एंटर इनटू कॉन्ट्रैक्ट विद अनदर कॉन्ट्रैक्टर टू गिव अ पोर्शन ऑफ वर्क अंडरटेकन बाय हिम। क्या बोला है, कोई एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट है काफी बड़ा कॉन्ट्रैक्ट है उसके अंदर कॉन्ट्रैक्टर को भी कुछ और कॉन्ट्रैक्टर्स की हेल्प लेने की जरूरत पड़ गई। मान लो कोई बिल्डिंग बनाने का कॉन्ट्रैक्ट है, उसके अंदर बिल्डिंग बनाने के लिए कुछ मशीन्स चाहिए जो कि रेंट पर ली जाती हैं, तो अब वो दूसरे कॉन्ट्रैक्टर से कॉन्ट्रैक्ट करेगा कि मेरे को तुम्हारी ये मशीन चाहिए इतने टाइम के लिए, तो वो जो कॉन्ट्रैक्ट करा उसने वो कहलाता है आपका सब कॉन्ट्रैक्ट। इन सच केस द वर्क परफॉर्म बाय सब कॉन्ट्रैक्टर फॉर्म अ डायरेक्ट चार्ज टू द कॉन्ट्रैक्ट कंसर्न, सब कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट विल शोन ऑन डेबिट साइड ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट। तो इसका जो डायरेक्ट चार्ज होता है वो कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट में होता है और वो डेबिट साइड में एज अ एक्सपेंस शो करी जाती है, ये जो सब कॉन्ट्रैक्ट की कॉस्ट होती है। एस्केलेशन क्लॉज मैंने आपको बताई दिया, दिस इज अ क्लॉज विच इज प्रोवाइडेड इन कॉन्ट्रैक्ट टू कवर अप एनी इंक्रीज इन प्राइस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ड्यू टू इंक्रीज इन प्राइस ऑफ रॉ मटेरियल लेबर और यूटिलाइजेशन ऑफ एनी अदर फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। क्या बोला है, ये एक क्लॉज होता है मतलब एक तरीके की प्रोविजन होती है जो कि कॉन्ट्रैक्ट में डाली जाती है, जो कि किस लिए डाली जाती है, कॉन्ट्रैक्ट के प्राइस में कोई भी इंक्रीजमेंट होने के लिए वजह से अगर कोई चेंज आता है तो वो चीज को कवर अप करने के लिए एस्केलेशन क्लॉज डाला जाता है। अब ये इंक्रीमेंट जो कॉन्ट्रैक्ट का प्राइस है वो किस किस रीजन से बढ़ सकता है, मान लो रॉ मटेरियल का प्राइस बढ़ गया, लेबर का प्राइस बढ़ गया, या जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है उनमें से किसी चीज का प्राइस बढ़ गया, तो इसके लिए ये एस्केलेशन क्लॉज डाला जाता है। इफ मटेरियल एंड लेबर यूटिलाइजेशन एक्सीड अ पर्टिकुलर लिमिट द कस्टमर एग्री टू बियर द एडिशनल कॉस्ट ओकेशनड बाय एक्सेसिव यूटिलाइजेशन। तो अगर इनकी कॉस्ट बढ़ जाती है तो इसका जो एक्सपेंस जो ये कॉस्ट बढ़ने का जो लॉस होता है वो दोनों शेयर करते हैं, कॉन्ट्रैक्टर भी और कॉन्ट्रैक्टी भी। ये थी आपकी कुछ टर्म जो यूज होती हैं। अब ये आपको एक फॉर्मेट दे रखा है कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट का, एक फॉर्मेट क्या होता है कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट आ गया, डेबिट साइड में मटेरियल की कॉस्ट, लेबर की कॉस्ट, प्लांट ओवरहेड, कॉस्ट ऑफ सब कॉन्ट्रैक्ट, और क्रेडिट साइड में आपका वर्क इन प्रोग्रेस आया है जिसके अंदर वर्क सर्टिफाइड और वर्क अनसर्टिफाइड आ गया, उसके बाद मटेरियल रिटर्न अगर आप कर रहे हैं कुछ,
प्लांट वापस आ रहा है, प्लांट का यूज नहीं हुआ है वो प्लांट वापस हो रहा है, डेप्रिसिएशन उसमें से लेस करा जाता है, मटेरियल कुछ बच गया है अकाउंटिंग ईयर के एंड में तो वो क्रेडिट साइड में आएगा, और अगर अब क्रेडिट साइड का टोटल ज्यादा है डेबिट साइड का कम है तो आपका आ जाएगा नॉशनल प्रॉफिट, और डेबिट साइड का टोटल ज्यादा है क्रेडिट साइड का टोटल कम है तो आपका आ जाएगा नॉशनल लॉस। ठीक है, ये होता है आपका कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट का फॉर्मेट। अब इसमें ट्रीटमेंट ऑफ प्लांट एंड मशीनरी बताया है कि प्लांट एंड मशीनरी है तो उसका ट्रीटमेंट कैसे करा जाएगा। तो वन ऑफ द डिस्टिंग्विश फीचर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट इज द यूज ऑफ स्पेशल प्लांट एंड मशीनरी, द कॉस्ट ऑफ दिस इज कैपिटल एक्सपेंडिचर बट एट द यूजेस ऑफ दिस शुड बी रिफ्लेक्टेड इन फॉर्म ऑफ डेप्रिसिएशन, देयर आर टू डिस्टिंक्ट मेथड ऑफ चार्जिंग डेप्रिसिएशन। क्या बोला है, प्लांट एंड मशीनरी हमारे कैपिटल एसेट होते हैं लेकिन फिर भी जो इनका डेप्रिसिएशन होता है वो हम कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट में चार्ज करते हैं। दो तरीके होते हैं डेप्रिसिएशन चार्ज करने के। नंबर वन है, एट द टाइम ऑफ इशू ऑफ प्लांट टू कॉन्ट्रैक्ट द कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट इज डेबिटेड फुल वैल्यू ऑफ प्लांट, एट द एंड ऑफ पीरियड कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट इज क्रेडिटेड विद द डेप्रिशिएटेड वैल्यू। पहला तरीका है, जब कॉन्ट्रैक्ट के स्टार्ट होने पर आप प्लांट एंड मशीनरी इशू कर रहे हो तो उसे कंप्लीट वैल्यू से कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट के डेबिट साइड में लिख दो, और जब अकाउंटिंग ईयर खत्म हो रहा है या कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो रहा है तो जो वैल्यू डेप्रिशिएशन के बाद बचती है उस टाइम पर वो वैल्यू को क्रेडिट साइड में लास्ट में रिकॉर्ड कर दो तो आपका डेप्रिसिएशन रिकॉर्ड हो जाता है। सेकंड तरीका है, इन सेकंड मेथड कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट इज डेबिटेड विद एन आर्ली रेट ऑफ डेप्रिसिएशन फॉर नंबर ऑफ आवर द प्लांट इज यूज्ड इन कॉन्ट्रैक्ट, अ कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट सेंटर इज सेट अप फॉर ईच मशीन एंड एस्टिमेट इज मेड फॉर द कॉस्ट सच एज मेंटेनेंस डेप्रिसिएशन ड्राइवर वेजेस टू बी इनकर्ड। सेकंड तरीका क्या है, आप आर्ली बेसिस डेज बेसिस या मंथली बेसिस जिस भी तरीके से डेप्रिसिएशन कैलकुलेट कर सके प्लांट एंड मशीनरी पर वो डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करो सिंपली और उसे डेबिट साइड में रिकॉर्ड कर दो। तो दोनों तरीके ही सही हैं, आप किसी भी तरीके से कर सकते हैं। नेक्स्ट है प्रॉफिट ऑन इनकम्प्लीट कॉन्ट्रैक्ट, अगर कोई इनकम्प्लीट कॉन्ट्रैक्ट रह जाता है तो उसके प्रॉफिट का क्या ट्रीटमेंट होता है। तो इफ देयर इज एनी प्रॉफिट अपॉन द इनकम्प्लीट कॉन्ट्रैक्ट इट कैन नॉट बी टेकन एज एक्चुअल प्रॉफिट, द प्रॉफिट अपॉन इनकम्प्लीट कॉन्ट्रैक्ट इज कॉल्ड नॉशनल प्रॉफिट। अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट नहीं हुआ है उस पर कोई आपको प्रॉफिट है तो उसको हम एक्चुअल प्रॉफिट नहीं मान सकते, उसे क्या बोला जाता है, नॉशनल प्रॉफिट बोला जाता है। फॉर पर्पस ऑफ डिटरमाइनिंग द अमाउंट ऑफ प्रॉफिट टू बी ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड मेकिंग प्रोविजन फॉर फ्यूचर कंटिंजेंसी द फॉलोइंग गाइडलाइंस मे बी कैप्ट, और इस केस में हम अकाउंटिंग ईयर खत्म होने पर कितना प्रॉफिट बुक करेंगे अपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में वो किस तरीके से कैलकुलेट करा जाता है उसकी कुछ गाइडलाइंस दे रखी है। तो नंबर वन है, व्हेन द वर्क हैज नॉट रीजनेबली एडवांस 1/4 और लेस देन 1/4, क्या बोला है, सिर्फ 1/4 या 1/4 से भी कम काम कंप्लीट हुआ है तो नो प्रॉफिट शुड बी टेकन टू क्रेडिट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इन केस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट व्हिच हैज जस्ट कंप्लीटेड और अ स्मॉल पोर्शन ऑफ वर्क इज कंप्लीट। क्या बोला है, ऐसा कोई भी कॉन्ट्रैक्ट है जिसका 1/4 या 1/4 से कम मतलब 25% या 25% से कम वर्क कंप्लीट हुआ है उसके लिए आप कोई भी प्रॉफिट बुक नहीं करेंगे अपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में उस ईयर के अंदर। नेक्स्ट है, वेयर द वर्क इज कंप्लीट मोर देन 1/4 बट लेस देन 1/2 ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट प्राइस, तो इन दिस केस 1/3 ऑफ द नॉशनल प्रॉफिट हैज रिड्यूस्ड बाय परसेंटेज ऑफ कैश रिसीव्ड मे बी क्रेडिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, द बैलेंस ऑफ नॉशनल शैल बी कैप्ट एज रिजर्व टिल द कंप्लीशन, द यूजुअल फॉर्मूला इज दिस। क्या बोला है, अगर आपका 25% से ज्यादा और 50% से कम वर्क कंप्लीट हो जाता है तो इस केस में आप जो भी आपका नॉशनल प्रॉफिट होगा उसका 1/3 पार्ट को आप अपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। नेक्स्ट है, इफ द कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीटेड इज मोर देन 1/2 बट लेस देन 90%, हियर 2/3 ऑफ द नॉशनल प्रॉफिट शुड बी टेकन टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। वही चीज बोली है, ये फॉर्मूला देख लेना आप, ये फॉर्मूला लिखे हुए हैं, अगर आपका 50% से ज्यादा और 90% से कम कॉन्ट्रैक्ट वर्क कंप्लीट हो जाता है तो उस केस में आप नॉशनल प्रॉफिट का 2/3 प्रॉफिट अपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में बुक कर सकते हैं लेकिन कैश रिसीव्ड और वर्क सर्टिफाइड के प्रोपोर्शन में। ठीक है, फिर इफ द कॉन्ट्रैक्ट इज नियर कंप्लीशन हियर एस्टिमेटेड प्रॉफिट मे बी एस्टरटेन्ड बाय डिडक्टिंग द टोटल कॉस्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट टू डेट प्लस एस्टिमेटेड एडिशनल एक्सपेंस टू कंप्लीट द कॉन्ट्रैक्ट from the contract price, the loss on incomplete contract should be fully transferred to profit and loss account it calculated by using the formula this. क्या बोला है, अगर 90% से भी ज्यादा contract complete हो जाता है, 100% नहीं हो पाया लेकिन 90% से ज्यादा है तो उस केस में आप estimated profit calculate कर लेंगे कैसे, जो आपका total profit हैगा उसमें से आपका और कितना additional expense लगेगा बाकी का बचा हुआ contract complete करने के लिए,
उसको डिडक्ट कर देंगे, जो आपके निकल के आएगा एस्टिमेटेड प्रॉफिट आएगा, आप उस पूरे प्रॉफिट को प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में बुक कर सकते हैं। ठीक है, अब आपको ये इलस्ट्रेशन दी गई है इससे रिलेटेड एक, जो हम प्रैक्टिकल क्वेश्चन वाली वीडियो में कवर करेंगे। ये दूसरी इलस्ट्रेशन है इसी की, कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट की आपकी। अब आता है आपका नेक्स्ट टॉपिक जो है प्रोसेस कॉस्टिंग का। तो प्रोसेस कॉस्टिंग इज अ मेथड ऑफ कॉस्टिंग अप्लाइड इन इंडस्ट्री एंगेज्ड इन कंटीन्यूअस और मास प्रोडक्शन। प्रोसेस कॉस्टिंग जो मेथड है वो कहाँ अप्लाई करा जाता है? ऐसी इंडस्ट्रीज में जहाँ पर कॉन्टीन्यूअसली प्रोडक्शन करा जाता है और काफी मास में प्रोडक्शन करा जाता है। प्रोसेस कॉस्टिंग इज अ मेथड ऑफ कॉस्टिंग यूज्ड टू एसर्टेन द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट एट ईच प्रोसेस और स्टेज ऑफ मैन्युफैक्चरिंग। ये एक मेथड है जिसके अंदर हम प्रोडक्ट की कॉस्ट को कहाँ कहाँ एसर्टेन करते हैं, हर स्टेज पर, हर प्रोसेस में मैन्युफैक्चरिंग के कॉस्ट को एसर्टेन करा जाता है। सो इट इज अ बेसिक मेथड टू एसर्टेन द कॉस्ट एट ईच स्टेज ऑफ मैन्युफैक्चरिंग। हर मैन्युफैक्चरिंग के स्टेज में एक प्रोसेस, जैसे एक स्टेप कंप्लीट होता है वैसे उसकी कॉस्ट को एसर्टेन करा जाए, उस चीज को कहा जाता है प्रोसेस कॉस्टिंग। सेपरेट अकाउंट आर मेंटेन्ड एट ईच प्रोसेस टू विच एक्सपेंडिचर इनकर्ड। हर प्रोसेस के लिए एक सेपरेट अकाउंट मेंटेन करा जाता है। एट द एंड ऑफ ईच प्रोसेस कॉस्ट पर यूनिट इज डिटरमाइंड बाय डिवाइडिंग टोटल कॉस्ट बाय नंबर ऑफ यूनिट प्रोड्यूस्ड एट ईच स्टेज। और हर प्रोसेस के खत्म होने पर यूनिट कॉस्ट एसर्टेन करी जाती है उस प्रोडक्ट की। वो कैसे करते हैं? जो भी टोटल प्रोसेस की कॉस्ट आई है उसे हम जितनी यूनिट प्रोड्यूस हुई है उससे डिवाइड करते हैं, हमारे पास पर यूनिट कॉस्ट निकल के आ जाती है। तो इसको हम एक तरीके से एवरेज कॉस्टिंग या कॉन्टिन्यूस कॉस्टिंग भी बोलते हैं। एडवांटेज क्या होता है प्रोसेस कॉस्टिंग का? तो इट इज इजी टू कंप्यूट एवरेज कॉस्ट बिकॉज द प्रोडक्ट आर होमोजीनियस इन प्रोसेस कॉस्टिंग। एवरेज कॉस्ट हम इजिली कैलकुलेट कर पाते हैं क्योंकि जो प्रोडक्ट होते हैं वो होमोजीनियस होते हैं। इट इज पॉसिबल टू एसर्टेन द प्रोसेस कॉस्ट एट शॉर्ट इंटरवल। शॉर्ट इंटरवल में हम प्रोसेस कॉस्ट को एसर्टेन कर सकते हैं। प्रोसेस कॉस्टिंग इज सिंपल एंड लेस एक्सपेंसिव इन रिलेशन टू जॉब कॉस्टिंग। जॉब कॉस्टिंग के रिलेशन में जो प्रोसेस कॉस्टिंग होती है वो सिंपल होती है और लेस एक्सपेंसिव भी होती है। नेक्स्ट है, बाय इवैल्यूएटिंग द परफॉर्मेंस ऑफ ईच प्रोसेस इफेक्टिव मैनेजरियल कंट्रोल इज पॉसिबल। और हर परफॉर्मेंस को इवैल्यूएट करके एक इफेक्टिव मैनेजरियल कंट्रोल पॉसिबल होता है। मतलब जब हमें सारे प्रोसेस की परफॉर्मेंस पता होगी तो हमारा उनके ऊपर अच्छा कंट्रोल होगा। डिसएडवांटेजेस क्या क्या होते हैं? वैल्यूएशन ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस इज डिफिकल्ट। वर्क इन प्रोग्रेस का वैल्यूएशन काफी डिफिकल्ट होता है। इट इज नॉट इजी टू वैल्यू लॉसेस, वेस्ट, स्क्रैप। लॉस, वेस्ट और स्क्रैप को वैल्यू करना बहुत ज्यादा डिफिकल्ट होता है, इजी नहीं होता। द अपोर्शनमेंट ऑफ टोटल कॉस्ट अमंग जॉइंट प्रोडक्ट एंड बाय प्रोडक्ट इज डिफिकल्ट। जो जॉइंट कॉस्ट होती है उसे मतलब जो टोटल कॉस्ट होती है उसे जॉइंट प्रोडक्ट और बाय प्रोडक्ट के बीच में अपोर्शन करना भी डिफिकल्ट टास्क है। प्रोसेस कॉस्ट आर नॉट एक्यूरेट, दे आर ओनली एवरेज कॉस्ट। जो प्रोसेस कॉस्ट होती है वो एक्यूरेट नहीं होती है, सिर्फ एक एवरेज कॉस्ट होती है आपकी। प्रोसेस कॉस्ट आर ओनली हिस्टोरिकल, और सिर्फ हिस्टोरिकल कॉस्ट होती है आपके लिए। ठीक है, नेक्स्ट है प्रोसीजर फॉर प्रोसेस कॉस्टिंग। अब प्रोसीजर क्या होता है प्रोसेस कॉस्टिंग का? तो सबसे पहले ईच प्रोसेस इज सेपरेटली आइडेंटिफाइड, सेपरेट प्रोसेस अकाउंट इज ओपन फॉर ईच प्रोसेस। जो भी प्रोसेस होते हैं वो सेपरेटली आइडेंटिफाइबल होते हैं और हर प्रोसेस के लिए एक सेपरेट अकाउंट क्रिएट करा जाता है। अलोंग विद पर्टिकुलर कॉलम टू कॉलम आर प्रोवाइडेड बोथ साइड ऑफ प्रोसेस अकाउंट, यूनिट एंड अमाउंट। पर्टिकुलर के कॉलम के अलावा दोनों साइड में दो एक्स्ट्रा और कॉलम दिए जाते हैं। एक दिया जाता है यूनिट का मतलब क्वांटिटी का और एक दिया जाता है अमाउंट का, रुपीज का। ठीक है, ऑल एक्सपेंस आर डेबिटेड इन रिस्पेक्टिव प्रोसेस अकाउंट। जितने भी खर्चे होते हैं उसे हम प्रोसेस अकाउंट के डेबिट में लिखते हैं। वेस्टेज, सेल ऑफ स्क्रैप, बाय प्रोडक्ट आर रिकॉर्डेड ऑन क्रेडिट साइड ऑफ द प्रोसेस। लेकिन जो वेस्टेज होती है, सेल ऑफ स्क्रैप होती है, बाय प्रोडक्ट होता है, वो सारे क्रेडिट साइड में जाते हैं। The difference between debit and credit side shows the cost of production and output of that particular process which transfer to next process. जो debit और credit के बीच का difference होता है उसे हम cost of production कहते हैं या output निकल के आता है हमारा जो कि हम next process में transfer करते हैं। The cost per unit in every process is calculated by dividing net cost by output. Cost per unit calculate करते हैं net cost को हम total output से divide करके। द आउटपुट ऑफ लास्ट प्रोसेस इज ट्रांसफर टू फिनिश्ड स्टॉक अकाउंट। और जो लास्ट प्रोसेस होता है उसका जो आउटपुट होता है उसे हम फिनिश्ड स्टॉक अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं। इनकम्प्लीट यूनिट एट द एंड ऑफ ईच पीरियड एवरी प्रोसेस कन्वर्टेड इन टर्म ऑफ कम्प्लीटेड यूनिट। जो भी इनकम्प्लीट यूनिट होती है उसे हम हर पीरियड के एंड में कम्प्लीट यूनिट में कन्वर्ट करते हैं, इक्विवेलेंट कम्प्लीटेड यूनिट की कॉस्ट निकालते हैं।
ये आपको फॉर्मेट दिया है प्रोसेस अकाउंट का, देखिए पर्टिकुलर का कॉलम हो गया, यूनिट का कॉलम आ गया, रिपोर्ट का आ गया, डेबिट साइड में डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट वेजेस, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस और अदर एक्सपेंसेस है अगर कोई। क्रेडिट साइड में बाय लॉस इन वेट, जो कि नॉर्मल लॉस आ गया हमारा, सेल ऑफ स्क्रैप आ गई, नेक्स्ट प्रोसेस में जो ट्रांसफर करा वो आ गया आपका, ठीक है। अब प्रिपरेशन ऑफ प्रोसेस अकाउंट, जो हम प्रोसेस अकाउंट प्रिपेयर करते हैं वो कितने तरीकों से प्रिपेयर कर सकते हैं, तो पांच तरीके होंगे हमारे पास प्रोसेस अकाउंट प्रिपेयर करने के। सिंपल प्रोसेस अकाउंट विद नॉर्मल लॉस, प्रोसेस अकाउंट विद एबनॉर्मल लॉस, प्रोसेस अकाउंट विद एबनॉर्मल गेन और इंटर प्रोसेस प्रॉफिट। तो देखिए सिंपल प्रोसेस अकाउंट क्या होता है, अंडर दिस केस इट इज वेरी इजी टू प्रिपेयर प्रोसेस अकाउंट, अ सेपरेट अकाउंट इज ओपन फॉर ईच प्रोसेस। इसके अंदर क्या होता है, प्रोसेस अकाउंट प्रिपेयर करना सबसे इजी होता है, हर प्रोसेस के लिए एक सेपरेट अकाउंट बनाया जाता है, ऑल कॉस्ट आर डेबिट, सारी कॉस्ट को डेबिट करा जाता है, टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोसेस ट्रांसफर टू नेक्स्ट प्रोसेस, जो भी टोटल कॉस्ट होती है उसे उठाकर हम नेक्स्ट प्रोसेस में ट्रांसफर कर देते हैं। एट एंड ऑफ ईच प्रोसेस कॉस्ट पर यूनिट इज ऑब्टेंड, और हर प्रोसेस के एंड में हम कॉस्ट पर यूनिट कैलकुलेट कर लेते हैं। ये आपको इससे रिलेटेड एक इलस्ट्रेशन दिया सिंपल प्रोसेस अकाउंट से रिलेटेड। नेक्स्ट होता है आपका प्रोसेस अकाउंट विद नॉर्मल लॉस, तो दिस इज लॉस विच इज अनअवॉइडेबल ऑन अकाउंट ऑफ इनहेरेंट नेचर ऑफ प्रोडक्शन कैप प्रोसेस। नॉर्मल लॉस क्या होता है, ऐसा लॉस जो कि अनअवॉइडेबल होता है, जिसे हम किसी भी तरीके से अवॉइड नहीं कर सकते और वो प्रोडक्शन प्रोसेस में हो गई होगा, तो इट अराइज अंडर नॉर्मल कंडीशन, इट इज यूजली कैलकुलेटेड एज सर्टेन परसेंटेज ऑफ इनपुट। ये हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, ये इनपुट की सर्टेन परसेंटेज पर होता है, मतलब इनपुट का इतना परसेंट नॉर्मल लॉस होगा ये पता होता है। नॉर्मल लॉस इंक्लूड आइदर वेस्ट और स्क्रैप बोथ, और बोथ नॉर्मल लॉस कैसा भी हो सकता है इसमें, या तो वेस्ट हो सकता है मतलब जिसकी कोई वैल्यू ना हो, या स्क्रैप हो सकता है जिसकी थोड़ी बहुत कुछ वैल्यू हो, या फिर दोनों हो सकता है, मतलब कुछ स्क्रैप कुछ वेस्ट, ठीक है। तो उसका क्या ट्रीटमेंट होता है वो आपको ये इलस्ट्रेशन दी है, जो कि हम प्रैक्टिकल क्वेश्चन वाली वीडियो में कवर करेंगे, मैंने आपको इसका वैसे सॉल्यूशन प्रोवाइड करवा दिया है। नेक्स्ट है प्रोसेस कॉस्टिंग विद एबनॉर्मल लॉस, तो एनी लॉस कॉस्ड बाय अनएक्सपेक्टेड और एबनॉर्मल कंडीशन सच एज प्लांट ब्रेकडाउन, सब स्टैंडर्ड मटेरियल, केयरलेसनेस, एक्सीडेंट और लॉस इन एक्सीड ऑफ मार्जिन एंटीसिपेटेड फॉर नॉर्मल प्रोसेस लॉस कैन बी कॉल्ड एबनॉर्मल प्रोसेस लॉस। ऐसा लॉस जो कि अनएक्सपेक्टेड और एबनॉर्मल कंडीशन की वजह से होता है उसे एबनॉर्मल लॉस कहा जाता है। इस ये जो हमारा होता है वो कंट्रोलेबल होता है और अवॉइडेबल होता है, अगर हम चीज़ों का ध्यान रखें तो इसे अवॉइड और कंट्रोल कर सकते हैं। When actual loss is processed is greater than estimated normal loss, in case of abnormal loss, if actual output is less than normal output, the difference is abnormal loss. क्या बोला है, जो हमारा actual output आना था और जो normal output आया है, इन दोनों में जो difference होता है वो क्या कहलाता है आपका, normal loss कहलाता है। मतलब जो actual output निकल के आया है वो कम है, और जो हमारा estimated था normal output था वो ज़्यादा था, तो ये जो हमारा loss हुआ output का वो क्या कहलाता है आपका, abnormal loss कहलाता है। कैसे कैलकुलेट करते हैं हम वैल्यू एबनॉर्मल लॉस की, तो नॉर्मल कॉस्ट ऑफ नॉर्मल आउटपुट अपॉन में नॉर्मल आउटपुट मल्टीप्लाई बाय यूनिट ऑफ एबनॉर्मल लॉस। नॉर्मल कॉस्ट ऑफ नॉर्मल आउटपुट कैसे निकलता है, टोटल एक्सपेंडिचर माइनस सेल प्रोसीड ऑफ स्क्रैप। और जो नॉर्मल आउटपुट होता है वो कैसे निकलता है, इनपुट माइनस यूनिट ऑफ नॉर्मल लॉस, ठीक है। ये आपको इसकी इलस्ट्रेशन है, प्रैक्टिकल क्वेश्चन वाली वीडियो में हम इसे देखेंगे। नेक्स्ट है आपका प्रोसेस कॉस्टिंग विद एबनॉर्मल गेन, तो समटाइम एक्चुअल लॉस और वेस्टेज इन प्रोसेस इज लेस देन एक्सपेक्टेड लॉस, इन दिस केस द डिफरेंस बिटवीन एक्चुअल लॉस एंड एक्सपेक्टेड लॉस इज नोन एज एबनॉर्मल गेन और एबनॉर्मल इफेक्टिव। क्या बोला है, कई बार जो एक्चुअल लॉस और वेस्टेज होती है प्रोसेस में वो कम होती है हमारे एस्टिमेटेड लॉस से, मतलब जितना हमने एस्टिमेट कर रखा होता है कि इतना लॉस हो जाएगा उतना लॉस नहीं होता है, तो वो जो गेन होता है वो कहलाता है आपका एबनॉर्मल गेन। इट इज एक्सेस ऑफ एक्चुअल प्रोडक्शन ओवर नॉर्मल आउटपुट, जितना हमने एस्टिमेट करा था कि हमारा नॉर्मल आउटपुट होगा उससे ज्यादा हमारा प्रोडक्शन निकल कर आता है। एबनॉर्मल गेन इज वैल्यूड इन सेम मैनर इज एबनॉर्मल लॉस, जो एबनॉर्मल गेन होता है वो भी जैसे एबनॉर्मल लॉस कैलकुलेट करा जाता है वैसे ही एबनॉर्मल गेन भी कैलकुलेट करा जाता है। द वैल्यू ऑफ एबनॉर्मल गेन इज डेबिटेड टू प्रोसेस अकाउंट एंड क्रेडिटेड टू एबनॉर्मल गेन अकाउंट, जो वैल्यू होती है एबनॉर्मल गेन की वो हम प्रोसेस अकाउंट के डेबिट साइड में रिकॉर्ड करते हैं और एबनॉर्मल गेन अकाउंट के क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड करते हैं। द वैल्यू ऑफ स्क्रैप डेबिट टू एबनॉर्मल गेन अकाउंट एंड क्रेडिट टू नॉर्मल लॉस अकाउंट। फाइनली एबनॉर्मल लॉस इज क्लोज्ड बाय ट्रांसफरिंग द क्रेडिट बैलेंस टू कॉस्टिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। और क्या बोला है, जो स्क्रैप की वैल्यू होती है उसे हम एबनॉर्मल गेन अकाउंट में डेबिट कर देते हैं और नॉर्मल लॉस अकाउंट में क्रेडिट कर देते हैं,
और जो हमारा फाइनल एबनॉर्मल लॉस निकल के आता है उसे हम कॉस्टिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में ट्रांसफर कर देते हैं। ठीक है, ये आपको वैल्यू ऑफ एबनॉर्मल गेन कैलकुलेट करने की बोली है भाई। नॉर्मल कॉस्ट ऑफ नॉर्मल आउटपुट नॉर्मल अपॉन में नॉर्मल आउटपुट मल्टीप्लाई बाय यूनिट ऑफ एबनॉर्मल गेन। नॉर्मल कॉस्ट वही टोटल एक्सपेंडिचर माइनस सेल ऑफ प्रोसीड ऑफ स्क्रैप। नॉर्मल आउटपुट कैसे, इनपुट माइनस यूनिट ऑफ नॉर्मल लॉस। यूनिट ऑफ एबनॉर्मल गेन कैसे निकल के आती है, तो नॉर्मल लॉस माइनस एक्चुअल लॉस या फिर एक्चुअल आउटपुट माइनस नॉर्मल आउटपुट। ठीक है, ये आपको इससे रिलेटेड एक इलस्ट्रेशन दे रखी है। अब कुछ टर्म्स होती हैं इसमें वर्क इन प्रोग्रेस की, तो इन मोस्ट ऑफ द फर्म मैन्युफैक्चरिंग इज अ कंटीन्यूअस बेसिस एंड प्रॉब्लम ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस इज क्वाइट कॉमन। द वर्क इन प्रोग्रेस कंसिस्ट ऑफ डायरेक्ट मटेरियल डायरेक्ट लेबर एंड प्रोडक्शन ओवरहेड। अब क्या बोला है, जो ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं उनमें प्रोडक्शन होता है वो एक कंटीन्यूअस प्रोसेस होता है, तो उन केसेस में क्या होता है अकाउंटिंग ईयर के एंड पर कुछ ना कुछ वर्क इन प्रोग्रेस जरूर बचता है। वर्क इन प्रोग्रेस में हमारी क्या क्या चीज आ जाती है, डायरेक्ट मटेरियल डायरेक्ट वेजेस और प्रोडक्शन ओवरहेड। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, उनके इक्विवेलेंट प्रोडक्शन कॉस्ट कैलकुलेट करनी पड़ती है। सबसे पहले इक्विवेलेंट प्रोडक्शन का मतलब होता क्या है, इक्विवेलेंट प्रोडक्शन रिप्रेजेंट द प्रोडक्शन ऑफ अ प्रोसेस इन टर्म्स ऑफ कंप्लीटेड यूनिट। इक्विवेलेंट प्रोडक्शन क्या होता है, जो हमारी प्रोडक्शन प्रोसेस में है मतलब जो वर्क इन प्रोग्रेस है उसे हम जब कंप्लीटेड यूनिट्स की टर्म में कन्वर्ट कर दें, मतलब इस उस वर्क इन प्रोग्रेस को उस वैल्यू में कन्वर्ट कर दें जितनी अगर जितनी उसकी कंप्लीटेड यूनिट्स की वैल्यू बनती है, तो उस चीज को कहा जाता है इक्विवेलेंट प्रोडक्शन। मान लीजिए जो आपका वर्क इन प्रोग्रेस है वो 80% कंप्लीट है, तो उस 80% को हम 80% की वैल्यू में ना रखकर उसे 100% की वैल्यू में कन्वर्ट कर दें। मान लो अगर हमारे पास 1000 यूनिट है जो वर्क इन प्रोग्रेस में है, 80% कंप्लीट है, तो उसकी इक्विवेलेंट कॉस्ट निकालना, तो उससे क्या होगा, जो नंबर ऑफ यूनिट्स है वो कम हो जाएंगी आपकी, लेकिन जो कंप्लीशन रेट है उनका वो 100% हो जाएगा। तो वो इक्विवेलेंट प्रोडक्शन पर डिपेंड करता है कि किस तरीके से कैलकुलेट करी जाएगी। तो जो आपकी 1000 यूनिट्स हैं वो 1000 यूनिट्स 1000 ना रहकर कितनी हो सकती हैं, 800 हो जाएंगी, 900 हो जाएंगी, लेकिन 100% कंप्लीट यूनिट की कॉस्ट वो आपकी निकल के आ जाएगी। तो उस चीज को कहा जाता है आपकी इक्विवेलेंट प्रोडक्शन कॉस्ट। इन अदर वर्ड इट मीन्स कन्वर्टिंग द इनकम्प्लीट यूनिट इनटू इक्विवेलेंट ऑफ कंप्लीटेड यूनिट। और हम वही चीज बताई मैंने आपको कि जो हमारी इनकम्प्लीट यूनिट हैंगी उन्हें कन्वर्ट कर देना किसमें, जो कंप्लीटेड यूनिट है उसके इक्विवेलेंट में, उस चीज को कहा जाता है इक्विवेलेंट प्रोडक्शन। इट ऑल्सो नोन एज इफेक्टिव प्रोडक्शन, इसे हम इफेक्टिव प्रोडक्शन भी कहते हैं। फॉर कैलकुलेटिंग इक्विवेलेंट प्रोडक्शन वर्क इन प्रोग्रेस नीड टू बी इंस्पेक्टेड। इक्विवेलेंट प्रोडक्शन कैलकुलेट करने के लिए हमें वर्क इन प्रोग्रेस को इंस्पेक्ट करना होता है, देन एन एस्टिमेट इज मेड फॉर डिग्री ऑफ कंप्लीशन। उसके बाद हमें जो वर्क इन प्रोग्रेस है उसकी डिग्री ऑफ कंप्लीशन का एक एस्टिमेशन लगाना होता है, यूजुअली ऑन परसेंटेज बेसिस, जो कि हम परसेंटेज के बेसिस पर लगाते हैं। स्टेप्स और प्रोसीजर क्या होता है आपका इक्विवेलेंट प्रोडक्शन कैलकुलेट करने का, तो देखिए सबसे पहले एसर्टेन द इक्विवेलेंट प्रोडक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ ओपनिंग वर्क इन प्रोग्रेस इफ एनी। इन दिस केस द इक्विवेलेंट प्रोडक्शन इज कंप्लीटेड बाय टेकिंग इनटू कंसीडरेशन द परसेंटेज ऑफ वर्क रिक्वायर्ड टू फिनिश नाउ इन द प्रोसेस। द फॉलोइंग फॉर्मूला इज यूज्ड, ओपनिंग WIP की यूनिट मल्टीप्लाई बाय परसेंटेज ऑफ वर्क नीडेड टू बी कंप्लीटेड। सबसे पहले हमें क्या करना होता है, जो हमारे पास ओपनिंग स्टॉक हैगा अगर उसके अंदर कोई भी वर्क इन प्रोग्रेस है तो उसका इक्विवेलेंट प्रोडक्शन कैलकुलेट करना होता है। उसका इक्विवेलेंट प्रोडक्शन हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, जो ओपनिंग वर्क इन प्रोग्रेस की यूनिट्स हैंगी उसे हम मल्टीप्लाई कर देते हैं परसेंटेज ऑफ वर्क नीड टू बी कंप्लीटेड, मतलब कितना वर्क उन पर बाकी रह गया है, तो उससे हमारी निकल के आ जाती है ओपनिंग वर्क इन प्रोग्रेस की इक्विवेलेंट यूनिट्स। उसके बाद फाइंड द यूनिट इंट्रोड्यूस एंड कंप्लीटेड एंड एड दिस टू वन, इट इज कैलकुलेटेड एज फॉलोज, यूनिट कंप्लीटेड एंड ट्रांसफर्ड माइनस वर्क इन प्रोग्रेस। क्या बोला है, उसके बाद जो भी आपने आपको क्या कैलकुलेट करना होता है कि कितनी यूनिट्स को इंट्रोड्यूस करा गया और कंप्लीट हुई, वो कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो जितनी टोटल हमारी यूनिट्स कंप्लीट हुई और जो हमने ट्रांसफर करी नेक्स्ट प्रोसेस में उसमें से हम माइनस कर देते हैं ओपनिंग वर्क इन प्रोग्रेस की यूनिट। ठीक है, फिर आता है हमारा कन्वर्ट द इक्विवेलेंट प्रोडक्शन ऑफ क्लोजिंग WIP इन प्रोग्रेस एंड टू एड टू अबव द फॉर्मूला इज क्लोजिंग WIP यूनिट मल्टीप्लाई बाय परसेंटेज ऑफ वर्क कंप्लीटेड। उसके बाद हमें क्या करना होता है, जो हमारा क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस रह गया मतलब जो क्लोजिंग यूनिट्स रह गई हैं उसमें हमारा जो वर्क इन प्रोग्रेस है उसकी इक्विवेलेंट यूनिट्स कैलकुलेट करनी होती हैं। वो हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस की जो यूनिट्स हैं उसे मल्टीप्लाई कर देते हैं परसेंटेज ऑफ वर्क कंप्लीटेड, कितना काम उन पर कंप्लीटेड हो गया है, और उन्हें ऊपर वाली सारी चीज़ों में ऐड कर देते हैं। उसके बाद ऑब्टेन द टोटल इक्विवेलेंट प्रोडक्शन टर्म्स ऑफ मटेरियल लेबर एंड ओवरहेड सेपरेटली इफ डिग्री ऑफ कंप्लीशन इज डिफरेंट। उसके बाद हमें क्या करना होता है, टोटल इक्विवेलेंट प्रोडक्शन निकालना होता है तीनों का अलग अलग, मटेरियल का अलग, लेबर का अलग, ओवरहेड का अलग, अगर डिग्री ऑफ कंप्लीशन तीनों का अलग अलग है।
फॉर दिस स्टेटमेंट ऑफ इक्विवेलेंट प्रोडक्शन इज प्रिपेयर्ड, और ये कैलकुलेट करने के लिए हम स्टेटमेंट ऑफ इक्विवेलेंट प्रोडक्शन प्रिपेयर करते हैं। उसके बाद फाइंड आउट द नेट प्रोसेस कॉस्ट एलिमेंट वाइज मटेरियल लेबर एंड ओवरहेड। उसके बाद हमें नेट प्रोसेस कॉस्ट कैलकुलेट करनी होती है एलिमेंट वाइज, जिसमें मटेरियल की अलग, लेबर की अलग और ओवरहेड की अलग। फिर एसर्टेन द कॉस्ट पर यूनिट ऑफ इक्विवेलेंट प्रोडक्शन फॉर ईच एलिमेंट। उसके बाद हमें उनकी कॉस्ट पर यूनिट कैलकुलेट करनी पड़ती है। वो कैसे करते हैं, तो मटेरियल की कॉस्ट पर यूनिट कैसे आएगी, आपकी टोटल जो मटेरियल कॉस्ट है उसे हम डिवाइड कर देंगे इक्विवेलेंट प्रोडक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ मटेरियल यूनिट से। फिर लेबर कॉस्ट पर यूनिट को, लेबर को टोटल लेबर कॉस्ट को हम इक्विवेलेंट लेबर कॉस्ट से की जो यूनिट निकल कर आएंगे उससे डिवाइड करेंगे। ऐसे ही ओवरहेड कॉस्ट पर यूनिट को टोटल ओवरहेड को डिवाइड करेंगे इक्विवेलेंट प्रोडक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ ओवरहेड की यूनिट से, तो हमारी यूनिट कॉस्ट पर यूनिट निकल कर आ जाएगी। उसके बाद फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ ओपनिंग WIP, फिनिश्ड यूनिट्स एंड क्लोजिंग WIP। उसके बाद हमें क्या करना होता है, सिंपली हमारे पास कॉस्ट पर यूनिट आ जाती है, उससे हम जो हमारी ओपनिंग WIP है उसकी वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे, जो हमारी वर्क इन प्रोग्रेस है उसकी वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे, मटेरियल की अलग, लेबर की अलग, ओवरहेड की अलग, किस तरीके से। तो जो हमारी इक्विवेलेंट प्रोडक्शन यूनिट होंगी मटेरियल की, उसे मल्टीप्लाई कर देंगे मटेरियल की कॉस्ट पर यूनिट से, जो होगी लेबर की यूनिट्स उसे लेबर कॉस्ट पर यूनिट से, और जो ओवरहेड की यूनिट्स होंगी उसे ओवरहेड कॉस्ट पर यूनिट से। ये आपको इससे रिलेटेड एक मैंने इलस्ट्रेशन दे रखी है, लेकिन इसे हम कवर किस में करेंगे, हमारी प्रैक्टिकल क्वेश्चन वाली वीडियो में कवर करेंगे, ठीक है। ये आपको स्टेटमेंट ऑफ इक्विवेलेंट प्रोडक्शन सारी चीजें बनाकर दे रखी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी आपकी इलस्ट्रेशन ही है। यहाँ पर देखिए आपका जो ये इक्विवेलेंट प्रोडक्शन कॉस्ट वाला कंसेप्ट है वो फिनिश हो जाता है। अब जो लास्ट कंसेप्ट रह गया है इस यूनिट के अंदर, वो रह गया आपका सर्विस कॉस्टिंग का। तो इट इज द कॉस्टिंग प्रोसीजर यूज्ड फॉर डिटरमाइनिंग द कॉस्ट ऑफ पर यूनिट ऑफ सर्विस रेंडर्ड। जो हमने सर्विस प्रोवाइड करी है उसकी कॉस्ट पर यूनिट कैलकुलेट करने के लिए सर्विस कॉस्टिंग का यूज करा जाता है। इट इज अ मेथड ऑफ कॉस्टिंग अप्लाइड टू अंडरटेकिंग विच प्रोवाइड सर्विस रेदर देन प्रोडक्शन ऑफ कमोडिटी। ये जो मेथड ऑफ कॉस्टिंग है ये किस पर अप्लाई करा जाता है, जब हम कोई सर्विस प्रोवाइड करवाते हैं, ना कि हम किसी चीज का प्रोडक्शन करते हैं। द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ सर्विस कॉस्टिंग इज टू कंप्यूट द कॉस्ट ऑफ सर्विस ऑफर्ड बाय ऑर्गेनाइजेशन। मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है, जो ऑर्गेनाइजेशन ने सर्विस प्रोवाइड करी है उसकी कॉस्ट कैलकुलेट करना। फॉर डूइंग दिस इट इज नेसेसरी टू डिसाइड द यूनिट ऑफ कॉस्ट इन सच केस। इसके लिए हमें क्या करना होता है, हम हर यूनिट की कॉस्ट को कैलकुलेट करते हैं। द कॉस्ट यूनिट वेरी फ्रॉम इंडस्ट्री टू इंडस्ट्री, और जो ये कॉस्ट यूनिट होती है वो इंडस्ट्री टू इंडस्ट्री डिफरेंट होती है। अब जो आपके सिलेबस में बोला है आपको सिर्फ ट्रांसपोर्ट कॉस्टिंग के बारे में पढ़ना है। वैसे तो सर्विस कॉस्टिंग में आपकी कई सारी कॉस्टिंग आती है, होटल की कॉस्टिंग हो गई आपकी, होटल रूम्स, हॉस्पिटल रूम्स की कॉस्टिंग हो गई आपकी, और कई सारी तरीके की ऐसी कॉस्टिंग आती है, लेकिन आपको सिर्फ ट्रांसपोर्ट कॉस्टिंग के बारे में पढ़ना है। तो ट्रांसपोर्ट इंक्लूड एयर, वाटर, रेल एंड रोड, चार तरीके के ट्रांसपोर्ट होते हैं आपके, एयर, वाटर, रेल एंड रोड, इनके कॉस्टिंग का आपको पढ़ना होगा। दे रेंडर सर्विस टू कम्युनिटी एट लार्ज। द कॉस्ट यूनिट ऑफ अदर फॉर्म ऑपरेटिंग ऑपरेशन कॉस्टिंग इज क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ सर्विस कॉस्टिंग अंडरटेकिंग। द कॉस्ट यूनिट ऑफ सर्विस ऑर्गेनाइजेशन इज कंपोजिट यूनिट। द इंपॉर्टेंट फैक्टर टू बी कंसिडर्ड इंक्लूड द नंबर ऑफ पैसेंजर, टनेज कैरिड, डिस्टेंस कवर्ड। क्या बोला है, ऑपरेशन कॉस्टिंग से ये अलग है जो सर्विस कॉस्टिंग है। इसके अंदर हम कॉस्ट यूनिट कैलकुलेट करते हैं किसकी, सर्विस की जो ऑर्गेनाइजेशन ने रेंडर करी है, और इसके अंदर किन किन चीज़ों पर ध्यान देना होता है हमें, कितने पैसेंजर कैरी हुए उस ट्रांसपोर्ट में, कितने टनेज, अगर कोई आइटम कैरी हुआ है तो कितने टन का वेट कैरी हुआ है, उसके अलावा अगर कहीं ट्रेवल हुआ है कोई चीज़ तो कितना डिस्टेंस कवर हुआ है, ये सारी चीज़ों को हमें ध्यान रखना होता है। इसके अंदर देखिए सर्विस कॉस्टिंग में क्लासिफिकेशन दिया है आपका कॉस्ट का। सबसे पहले होती है एक स्टैंडिंग और फिक्स्ड चार्ज, तो दीज चार्ज आर इनकर्ड इन स्पाइट ऑफ किलोमीटर रन। इसके अंदर कितने किलोमीटर गई ट्रांसपोर्ट हुआ है, ट्रांसपोर्टेशन हुआ है, इस पर कोई मतलब नहीं होता, मतलब इसका कोई रिलेशन नहीं होता वेरिएबल से। ये एक तरीके का फिक्स्ड चार्ज होता है, फिक्स्ड होता है नेचर में, जैसे कि आपका इंश्योरेंस हो गया व्हीकल का, लाइसेंस की फीस हो गई, रेंट हो गया, सैलरी हो गई मैनेजर वगैरह की, ये सारे आपके फिक्स्ड चार्ज में आते हैं। फिर आती है आपकी मेंटेनेंस चार्ज, तो इट इंक्लूड सेमी वेरिएबल एक्सपेंस। जो मेंटेनेंस चार्ज है, मतलब जो आपका ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी है उसको मेंटेन करने का जो चार्ज है, वो आपका सेमी वेरिएबल होता है, मतलब कुछ फिक्स्ड होता है कुछ वेरिएबल होता है, जैसे कि टायर्स एंड ट्यूब्स हो गए आपके, रिपेयर्स एंड पेंटिंग हो गई, ये सारी चीज़ें। फिर आता है आपका चार्जेस ऑफ रनिंग व्हीकल, ये जो आपकी वेरिएबल कॉस्ट होती है वो, इसके अंदर क्या क्या चीज़ें आ जाती हैं, जैसे आपका पेट्रोल का खर्चा, जितना चलेगी गाड़ी उतना पेट्रोल लगेगा, ऑयल हो गया, ग्रीस हो गई, ड्राइवर की सैलरी हो गई, अटेंडेंट की सैलरी हो गई, ये सारी चीज़ें आपकी किस में आ जाती हैं, चार्जेस ऑफ रनिंग एंड व्हीकल, जो कि आपकी वेरिएबल कॉस्ट होती है, ठीक है। फिर आता है आपका सिलेक्शन ऑफ यूनिट, तो इन ट्रांसपोर्ट कॉस्टिंग का कंपोजिट यूनिट सच एज पैसेंजर माइल और पैसेंजर किलोमीटर और टन किलोमीटर इज ऑफन सिलेक्टेड।
इसकी जो कॉस्ट पर यूनिट है कैलकुलेट करने के लिए आपको एक यूनिट मतलब किस टर्म में आपको कैलकुलेट करनी है वो एक चीज सिलेक्ट करनी होती है। तो आप क्या क्या सिलेक्ट कर सकते हैं, या तो पैसेंजर माइल मतलब पैसेंजर ने कितना माइल ट्रेवल करा उसके बेसिस पर कॉस्ट कैलकुलेट करी जाए, पैसेंजर किलोमीटर के बेसिस पर कितना टन किलोमीटर मतलब कितना वेट कैरी हुआ कितने किलोमीटर तक उसके बेसिस पर। सच यूनिट टेक्स इनटू अकाउंट बोथ नंबर ऑफ पैसेंजर और वेट ऑफ गुड्स कैरीड एंड डिस्टेंस रन अप। इसके अंदर क्या क्या चीजें ध्यान में रखी जाती हैं ये कैलकुलेट करने के लिए, कितने पैसेंजर कैरी हुए या कितना वेट कैरी हुआ और उन्होंने कितना डिस्टेंस ट्रेवल करा, इन दोनों के बीच की ये रिलेशन होती है। ठीक है, अब देखिए जो पैसेंजर किलोमीटर होते हैं जो या फिर जो हमने ये ऊपर कैलकुलेट करे ये दो तरीके के होते हैं, एक होते हैं एब्सोल्यूट पैसेंजर किलोमीटर, एक होते हैं कमर्शियल पैसेंजर किलोमीटर। तो इट इज कैलकुलेटेड बाय मल्टीप्लाइंग एवरी पार्ट ऑफ डिस्टेंस ट्रेवल्ड विद आइदर वेट कैरिड और पैसेंजर कैरिड आफ्टर गेट। ये हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, जो ये आपका एब्सोल्यूट पैसेंजर या फिर कमर्शियल पैसेंजर होते हैं इसके अंदर हम जितना भी डिस्टेंस ट्रेवल हुआ है या तो पैसेंजर को कैरी करके या वेट को कैरी करके उन दोनों को हम आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमारे पास एब्सोल्यूट पैसेंजर या कमर्शियल पैसेंजर 10 किलोमीटर आ जाते हैं। आफ्टर गेटिंग द प्रोडक्ट ऑफ ईच जर्नी वी एड ऑल द प्रोडक्ट द टोटल इज एब्सोल्यूट 10 या फिर क्विंटल किलोमीटर आ जाता है। अब जितने भी प्रोडक्ट आएंगे उन सभी को हम ऐड कर देते हैं जितनी भी जर्नीज हुई हैं तो हमारे पास टोटल निकल के आ जाता है कि टोटल कितना एब्सोल्यूट 10 या क्विंटल किलोमीटर ट्रेवल हुआ है मतलब कितना आपका ये निकल के आएगा। इन केस ऑफ गुड्स ट्रांसपोर्ट, अगर गुड्स का ट्रांसपोर्टेशन हुआ है तो कैसे कैलकुलेट करते हैं, डिस्टेंस ऑफ ईच जर्नी कितना डिस्टेंस कवर करा है और कितना वेट कैरी कर रखा था। वहीं अगर पैसेंजर को ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं तो कितना डिस्टेंस कवर करा है और कितने पैसेंजर कैरी कर रखे थे, तो इससे आपकी ये निकल कर आता है। फिर आता है इसका आपका एक कमर्शियल मेथड। तो कमर्शियल मेथड के लिए आपको क्या करना होता है, सबसे पहले आपको एवरेज ट्रिप का लोड निकालना होता है मतलब कितना लोड कैरी हुआ उसका एवरेज, फिर टोटल डिस्टेंस जो कैरी हुआ वो, इन दोनों को आपको मल्टीप्लाई करना होता है तो आपके पास कमर्शियल 10 किलोमीटर निकल के आ जाते हैं। ये था आपका एब्सोल्यूट 10 किलोमीटर और ये हैगा आपका कमर्शियल 10 किलोमीटर। ठीक है, तो देखिए दोस्तों इसी के साथ आपकी यहाँ यूनिट नंबर 4 ये कंप्लीट हो जाती है। इसकी वन शॉट रिवीजन जितना भी इंपॉर्टेंट कंटेंट था वो सारा आपको कवर करवा दिया है। होप सो आप सभी के लिए वीडियो यूजफुल रही होगी, वीडियो पसंद आई होगी, वीडियो अच्छी लगी हो वीडियो को लाइक करना ना भूले, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना इस टाइप के और कंटेंट के लिए। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।